अमावस्या भी है, शनिवार भी है, तो सोचा कि मंदिर चली जाती हूँ। ये आ गए हैं, टाइम से आ गए थे, तो अभी टाइम हो रहा है 7:22। सद्भाग करें और आज आषाढ़ चतुर्दशी इस पावन तिथि पर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। गाइस यहाँ पर आंटी लोग डेली फूल तोड़ रही है, फूल की पत्तियाँ तोड़ रही हैं, फूल से पत्तियाँ तोड़ रही हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर भोलेनाथ में सजावट होती है। हम भी आके उनकी मदद कर रहे हैं। मंदिर में आके बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून। सबसे पहले हमने भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद आंटी लोग के पास बैठे। यहाँ डेली ये हो रहा है जो आप देख रहे हैं, ये आज का ही नहीं कि आज शनि अमावस्या इसलिए हो रहा है, यहाँ डेली होता है, सुबह शाम डेली होता है। सुबह यहाँ 4 बजे से ही भीड़ लग जाती है मंदिर में, भक्तजन आना शुरू हो जाते हैं यहाँ पर। ये बहुत चंदापुर कोठी राबरेरी में मंदिर है, ये है खारसा चौराहा के सामने, जस्ट खारसा चौराहा ना उसके जस्ट सामने ही मंदिर है। बहुत सिद्ध स्थल है, यहाँ पर शिवलिंग जमीन से निकली थी, बहुत छोटी है शिवलिंग, आपने देखी है आगे। ये पंडित जी के बेटे हैं जो आरती कर रहे हैं ऑरेंज कलर में। लक्ष्मी माता की जय, पार्वती माता की जय, संतोषी माता की जय। बहुत अच्छा लग रहा था, मन को सुकून मिल रहा था, भक्ति भाव में सब लोग डूबे हुए थे। भजन चल रहा है, आरती हो रही है, प्रसाद बट रहा है, मन में कुछ भी नहीं है, मतलब कितना सुकून शांति मिल रही है। तो हम तो मेरी कोशिश है, मैं अब कोशिश यही करूँगी कि मैं हर सैटरडे मंदिर जाऊँ, क्योंकि सैटरडे को ये बोलते हैं कि बैंक से मैं जल्दी आ सकता हूँ, ये कभी काम हुआ, या फिर मेरी कोशिश ये है कि जब भी इनकी छुट्टी होगी तब मैं जाऊँगी। लेकिन मंदिर जाके मुझे बहुत सुकून मिला, कोई टेंशन नहीं होती है, पॉजिटिव फील करते हैं हम, और भक्ति, मुझे भक्ति भाव में मुझे सुकून ज़्यादा मिलता है। आप सबका अलग अलग होता है, बट मेरा मन बहुत लगता है भक्ति भाव में। मेरे स्वर अंदर जितना मुझे मंत्र है, कंठस्थ है, रामायण की चौपाइयाँ जो कंठस्थ है, सारी चीज़ें जो भक्ति भाव में, वो मेरी बाहर सारी निकल आती हैं और बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ना, कंठ में सरस्वती जी का वास हो जाता है, बहुत सुंदर मैं भी गाने लगी भजन, बहुत सुकून मिल रहा था। तो आप लोग के पास जब भी टाइम हो तो आप लोग मंदिर जाया करिए, अच्छा लगता है मंदिर जाके। कोशिश किया करिए कि यदि पास में मंदिर है तो चले जाइए, भगवान ईश्वर है, ये सत्य है, बस विश्वास तो रखिए। माता पिता हमारे एक तरह से ईश्वर के रूप में हम उन्हें देखते हैं। और ये हनुमान जी थे, देखिए कितनी सुंदर सजावट, बहुत सुंदर सजावट हुई है। डेली होती है, सुबह शाम होती है, 4 बजे से यहाँ भीड़ लगना चालू हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, सभी लोग आते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि ईश्वर नहीं होते हैं, लोगों एक तरह से बहुत लोग बोलते हैं, तो हम कहते हैं एक बार विश्वास तो करके देखो। भगवान की पूजा पाठ करना ऐसा नहीं होता है कि भगवान से हटाए मांगते ही रहें, क्यों मांगना। ईश्वर की पूजा उपासना करिए आप, वो जो देंगे उसे स्वीकारिए, जो आप मांगेंगे वो नहीं मिल रहा तो आप निराश मत होइए, क्योंकि जब भगवान देंगे वो आपके लिए उत्तर होगा, आपके लिए सही होगा। तो विश्वास बहुत बड़ी ताकत होती है। और शनिवार को घर के गेट के बाहर आप दिया लगाया करिए, और कोशिश करिए कि घर में लुभान का धुआं करिए संडे संडे, उससे पॉजिटिव यात्री करते हैं।
बहुत सारी चीज़ें आपको हम कभी बताएंगे वीडियो में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मन को सुकून मिलता है। पास में मंदिर है वहाँ। इतनी ये अनन्या है, बहुत क्यूट बच्ची थी, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कानपुर से थी ये, अपने नानी के यहाँ आई हुई है। अच्छा लगा, बच्चे बहुत सारे बच्चे थे। पीपल पे दिया शनिवार को जला दिया करिए। पास में कोई भी पीपल हो आप जला सकते हैं, यदि शनि मंदिर है तो आप शनि मंदिर से ले जाइए। सरसों के तेल में तिल उड़द 1 रुपये यानी कि किलो ही हम समझ लेते हैं, वो डालकर आप ईश्वर को समर्पित करें। और भोग लगा दिया करिए, स्पेस है जो भी कुछ आपके पास भोग हो, सिद्धा से जो भी आपके पास हो आप भगवान को अर्पण कर दिया करिए। आप लोग के साथ सब कुछ अच्छा होगा। ईश्वर पर भरोसा ही करना हमारी ताकत बन जाती है। जरूरी नहीं आप 24 घंटे भक्ति भाव में डूबे रहें, ईश्वर का नाम ही जप कर लीजिए, आप ध्यान कर लीजिए उनका, वही आपकी पूजा है। आप खाली बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, जब भी मैं ड्राइव करती हूँ मेरा मंत्र चलता रहता है, ईश्वर का नाम जपते रहते। मैं खाली कभी भी बैठती हूँ मंत्र का उच्चारण करती रहती हूँ। मिनट में आप ओम नमः शिवाय लिखिए।